So in the previous video you learned about the pivot table function और तुमने देखा कि pivot table किसको कहते हैं। इस वीडियो में हम लोग pivot table को implement करेंगे IPL वाले dataset पे। So if you remember tableau वाला session, वहाँ पे हमने एक और IPL का dataset use किया था by the name of deliveries.csv। मैंने उसको भी import मार लिया है और ये रहा उसका preview, right? This is the preview। इसमें 1.5 लाख रोज हैं और 21 कॉलम्स हैं, ठीक है? अभी मैं क्या करने वाला हूँ, मैं एक कोड लिखूंगा जिससे आई विल क्रिएट अ पिवट टेबल। उस पिवट टेबल में होगा क्या कि कॉलम्स में तुम्हारा सारे के सारे टीम्स का नाम आ जाएगा और रोज में 1 से लेके 20 तक ओवर्स आ जाएंगे, ठीक है? और मैं अंदर क्या वैल्यूज प्लॉट करूंगा कि हर टीम ने किसी भी पर्टिकुलर ओवर में कितने छक्के मारे, मतलब उस पिवट टेबल को देख के तुमको इंस्टेंटली समझ में आएगा कि चेन्नई सुपर किंग्स ने 7th ओवर में आज तक कितने छक्के मारे या मुंबई इंडियंस ने ओवर नंबर 18 में आज तक कितने छक्के मारे, ठीक है? तो पिवट टेबल बनाने के पहले हमको ऑब्वियसली अपना डेटा को थोड़ा रिफाइन करना पड़ेगा। सिंस वी जस्ट वॉन्ट नंबर ऑफ सिक्सेस टू बी डिस्प्लेड, हम हमारे पूरे 1.5 लाख रोज में से सिर्फ वो रोज निकालेंगे जहां पे बैट्समैन रन्स का वैल्यू 6 है, एज इन बैट्समैन ने छक्का मारा है, ठीक है? सो वी आर गोइंग टू क्रिएट अ मास्क विच वुड बी डिलीवरी बैट्समैन रन्स इक्वल टू 6, और मैं एक वेरिएबल बना लूंगा 6 बोल के, और 6 विल बी इक्वल टू डिलीवरी का मास्क। और अगर मैं 6 डॉट हेड करके प्रीव्यू लूं, यू कैन सी कि हमारे पास एक नया डेटा फ्रेम आ गया है जहां पे बैट्समैन रन्स का वैल्यू विल ऑलवेज बी 6, ठीक है? इनफैक्ट व्हाट आई कैन डू इज आई कैन फाइंड आउट द शेप सो दैट मेरे को एक आइडिया मिल जाए कि आईपीएल में आज तक कितने छक्के लगे। सो यू कैन टोटली सी कि आईपीएल में आज तक 6,500 छक्के लगे, ठीक है? अब मैं जो नया डेटा फ्रेम बनाया है इसके ऊपर पिवट टेबल प्लॉट करूंगा, ठीक है? सो पिवट टेबल प्लॉट करने का फंक्शन बहुत सिंपल है। वी विल राइट 6 एज इन मेरा नया डेटा फ्रेम डॉट पिवट टेबल, और पिवट टेबल के अंदर यू हैव टू पास 3 थिंग्स, ठीक है? फर्स्ट तुम्हारा इंडेक्स क्या होगा? सो इंडेक्स विल बी द ओवर कॉलम। नेक्स्ट तुम्हारे कॉलम्स का वैल्यू क्या होगा, और वो हमारे केस में रहेगा बैटिंग टीम, राइट? और वैल्यूज में क्या डालना है, वैल्यूज में हम डालेंगे बैट्समैन रन्स। और जो हमारा एग्रीगेट फंक्शन होता है, एग्रीगेट फंक्शन विल बी काउंट, एज इन हम काउंट कर रहे हैं, ठीक है? सो दिस विल बी द पिवट टेबल। सो मैं एक बार इसको रन कर रहा हूं एंड यू कैन सी कि हमारे स्क्रीन पे एक डेटा फ्रेम आ गया। फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्वियसली इट्स अ डेटा फ्रेम, रोज एंड कॉलम्स है, ठीक है? एंड यू कैन सी कि चेन्नई सुपर किंग्स ने ओवर नंबर 1 में आज तक 5 छक्के मारे, या गुजरात लायंस ने 3rd ओवर में 14 छक्के मारे, राइट? सो आई होप आइडिया क्लियर है पिवट टेबल का। अभी मैं एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज करके दिखाऊंगा। व्हाट आई विल डू इज आई विल कन्वर्ट दिस पिवट टेबल इनटू अ हीट मैप। सो अगर तुमने कभी हीट मैप देखा होगा तो हीट मैप ऐसा दिखता है। आई विल जस्ट गूगल फॉर सम इमेजेस। सो अगर कुछ भी इस तरह का स्ट्रक्चर देखा होगा कभी, इसको हम लोग हीट मैप बोलते हैं, ठीक है? हम लोग क्या करेंगे, हमारे पास एक पिवट टेबल है, हम इन पिवट टेबल की इस पिवट टेबल की वैल्यूज को एक हीट मैप पे पोर्ट करेंगे, ठीक है? और इसके लिए मुझे एक नया लाइब्रेरी का जरूरत पड़ेगा, उसको बोलते हैं सीबॉन। इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे कुछ दिन बाद। और वी आर इम्पोर्टिंग सीबॉन एज SNS, और SNS में एज इन सीबॉन में एक फंक्शन होता है बाय द नेम ऑफ हीट मैप। और हीट मैप को सिर्फ एक चीज चाहिए होता है, योर पिवट टेबल। सो वॉट आई कैन डू इज आई कैन गो ऑन टॉप एंड आई कैन स्टोर दिस इन अ वेरिएबल कॉल्ड PT, राइट? एंड आई विल जस्ट पास PT ओवर हेयर, शिफ्ट एंटर एंड यू कैन सी ये रहा हमारा पिवट टेबल। बगल में हमारे पास एक स्केल है जो बता रहा है कि जितना ब्लूइश शेड है उतना कम छक्के लगे, जितना ये लाइटिश ऑरेंज शेड है उतने ज्यादा छक्के लगे। सो यू कैन सी एट अ ग्लांस कि
ब्लूइश शेड थोड़े ऊपर वाले ओवर्स में, मतलब जब भी टॉप की बात कर रहे हो तो थोड़ा ब्लूइश शेड है, नीचे नीचे कलर लाइट होते जा रहा है, विच शोज कि जैसे जैसे ओवर खत्म होता है टीम्स ज्यादा छक्का मारने का ट्राई करती है, राइट। इनफैक्ट यू कैन ऑल्सो सी अ पैटर्न ओवर हेयर कि सिक्स ओवर में ब्लूइश शेड थोड़ा कम हो जा रहा है। वाई? बिकॉज सिक्स ओवर में आपका जो पावर प्ले होता है वो खत्म हो रहा होता है, फील्डिंग रिस्ट्रिक्शंस खत्म हो रहे होते हैं, तो बैट्समैन उसका फायदा उठाने के लिए दे ट्राई टू हिट सिक्सेस, तो वो भी मुझे क्लियरली इस हीट मैप में शो हो रहा है, ठीक है। सो इट्स अ वेरी नाइस काइंड ऑफ विजुअलाइजेशन, एक बार इसको ट्राई करके देखना, ठीक है। सो ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।